फ्रेंड्स, सारा कुकाउस में मेशबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ की सॉफ्ट वाली वड़िया बनाएंगे, जिसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसमें कोई चाशनी भी हमें चेक नहीं करनी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये तिल गुड़ की सॉफ्ट वाली वड़िया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना ये सफेद तिल लिए हैं, ये मैं इस पैन में डाल रही हूँ। और अभी हम इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। इसे हमें इसी तरह से लगातार मिक्स करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, जब तक इसका कलर हल्का चेंज होने लगे और ये हल्के हल्के से पॉपअप भी हो जाएंगे ये तिल। इसे अच्छे से भूनना जरूरी है, अगर ये जल जाएंगे तो इसमें से एक कड़वा टेस्ट आने लगेगा और कच्चा वाला फ्लेवर भी इतना अच्छा नहीं लगता वड़ियों में। तो इसे अच्छे से भून लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये तिल को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है और इसमें से एक हल्की हल्की चटकने की आवाज भी आ रही है। आप देख सकते हो, इस तरह से मैंने इसे भून के ले लिया है। आप चाहो तो थोड़ा सा इस तरह से इसमें से उठाकर खाकर भी चेक कर सकते हो, तो इसमें से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने लगता है। तो इस स्टेज पर आप इसे भूनना बंद करें और इसे एक प्लेट में निकाल कर पूरी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद हम आगे की प्रोसीजर देखेंगे। इसी पैन में मैं ये थोड़ा 1/4 कप जितना कसा हुआ नारियल भी थोड़ा सा रोस्ट करके ले रही हूँ। इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। ये देखिए, ये सूखे नारियल को भी मैंने हल्का पिंकिश कलर आने तक भून लिया है। इसे भी मैं उसी तिल वाले प्लेट में निकाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारे तिल ठंडे हो रहे हैं, तब तक हमें भुनी हुई मूंगफली का क्रश तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप भुनी हुई मूंगफली के छिलके हटा के लिए हैं। इसे मैं इस मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और इसे मैं हल्का दरदरा पीस लूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मूंगफली को मैंने इस तरह से हल्का दरदरा सा पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं करना है हमें। इसे मैं इस बाउल में निकाल लेती हूँ। अभी हमारे तिल भी पूरी तरह से ठंडे हो चुके होंगे, उसे भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। देखिए, ये सूखा नारियल जो भून के मैंने इसी के ऊपर डाल दिया था और ये हमारे तिल भी इस मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। और इसे भी हमें इसी तरह से थोड़ा सा दरदरा सा ही पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे हम। ये देखिए, ये तिल को भी मैंने इस तरह से हल्का सा दरदरा सा रखते हुए पीस लिया है, इसे भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अभी मैं इसमें यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी इलायची को बारीक कूट के रखा है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिला लेंगे इन सारी चीजों को। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें 2 कप कटा हुआ गुड़ डाल रही हूँ। 1 कप मैंने डाल दिया है और 1 कप डाल देती हूँ ए और 1 कप गुड़, मतलब मैंने 2 कप कटा हुआ गुड़ इसमें डाल दिया है। और अभी हम इसे इस तरह से पूरी तरह से मेल्ट होने तक पका लेंगे इस गुड़ को। इसे हमें पूरी तरह से मेल्ट हो जाने तक पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसके बाद मैं इसे और 1 मिनट के लिए पका लूंगी,
जितना हम इसे ज्यादा पकाएंगे उतना ये हमारी वड़ियां थोड़ी सी हार्ड होती जाती हैं, तो हमें थोड़ा सा बाइट रखते हुए ये वड़ियां बनानी है। तो मैं थोड़ा सा इसे और इसे पका रही हूँ गुड़ को। देखिए एक गुड़ के पूरी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद एक मिनट तक मैंने इस गुड़ को और पकाया है। और अभी मैं इसमें जो हमने ये मिश्रण बना के रखा था मूंगफली और तिल का, ये मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिला लेंगे हम इन सारी चीजों को। गैस में बंद कर देती हूँ। इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसे घी से ग्रीस किए हुए प्लेट में निकालने वाली हूँ। तो ये देखिए इस थाली को मैंने पहले से ही घी से ग्रीस करके रखा है। अभी मैं इसे इस थाली पर डाल रही हूँ। जल्दी जल्दी करनी है हमें ये प्रोसीजर, बहुत टाइम नहीं लगाना है। ये सारे मिश्रण को मैंने इस थाली में निकाल लिया है। अभी मैं इसे एक कटोरी के मदद से इस तरह से दबा के ले लूंगी। एक कटोरी को भी मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया था घी से ही फटाफट से। ये प्रोसीजर हमें बहुत ही फास्ट फास्ट करनी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना इसे। अभी मैं थोड़ा सा ये कसा हुआ नारियल भी डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है एक कटोरी की मदद से। और अभी मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम इसकी वड़िया कट करेंगे। तो ये देखिए ये वड़िया हल्की सी ठंडी हो गई है, पूरी तरह से ठंडी नहीं है, बस हल्की ठंडी हो गई है। इस स्टेज पर हमें कट के निशान लगा देंगे इसमें। जैसा आपको शेप चाहिए उस तरह से आप इसे कट कर सकते हो। और इसी तरह से ये दूसरी साइड से भी मैं इसे कट कर रही हूँ, स्क्वायर शेप रख रही हूँ मैं इसका। ये देखिए इन वड़ियों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अभी मैं इसे पूरी तरह से ठंडा होने का वेट करूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वड़िया अभी हमारी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अभी मैं इसे धीरे धीरे से एक साइड से निकाल लूंगी। ये देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये। इसी तरह से मैं ये सारी वड़िया इसमें से निकाल लूंगी। इस साइड वाली हल्की सी टूटेंगी क्योंकि वो अच्छे से प्रेस नहीं हुई है, ये बीच में से अच्छे से निकल जाती है ये। थोड़े से सूखे नारियल से गार्निश कर रही हूँ मैं इसे। ये हमारी बहुत ही टेस्टी तिल और गुड़ की वड़िया बनके तैयार है। एक मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो हमारी ये बहुत ही टेस्टी तिल गुड़ की सॉफ्ट वाली वड़िया बनके तैयार है। तो आप भी इसे जरूर बनाइए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और ज्यादा रेसिपीज देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarahcookhouse.com। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।